नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा व्याप। मुख्यमंत्री के आगमन की पूर्व संध्या पर सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच दो पक्षों में हुई गोलीबारी। जी हां, गुरुवार यानी आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दरभंगा आगमन है। वहीं डीएमसीएच एवं एम्स का निरीक्षण करने डीएमसीएच पहुंचने वाले हैं। इसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाने का दावा किया जा रहा है। वहीं पुलिस के वरीय से लेकर निचले स्तर के पदाधिकारी लगातार सुरक्षा व्यवस्था में लगे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर शहर और जिला में पुलिस कितनी अलर्ट है, इसका अंदाजा बुधवार की शाम मुख्यमंत्री के आगमन स्थल के निकट हुई गोलीबारी से पता चलता है। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के दावों के बीच दो पक्षों में डीएमसीएच परिसर में हुई गोलीबारी, जी हां, जिसमें एक व्यक्ति जख्मी हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस गोलीबारी की घटना मुख्यमंत्री के आगमन स्थल के निकट आगमन की पूर्व संध्या रात के 9 बजे। निश्चित रूप से ऐसे में सुरक्षा के कड़े इंतजामों के दावों पर बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। हालांकि इस संबंध में जानकारी देते हुए बेता ओपी के अध्यक्ष अकमल खुर्शीद ने बताया कि परिसर के टीबीडीसी रोड में सर्विल सर्जन कार्यालय के निकट गोली चली, जिनमें दो पक्षों के बीच गोलीबारी हुई है। वे दोनों डीएमसीएच के स्टाफ है। इस घटना में विकास कुमार के बाएं हाथ में गोली लगी है। विकास के पिता डीएमसीएच के स्टाफ है। वहीं गोली मारने का आरोपी भी डीएमसीएच के स्टाफ है। दोनों में पूर्व से भी विवाद था। वहीं घायल युवक विकास कुमार राम ने बताया कि रामगंज के रामटोला के रहने वाले किशोर राम नामक युवक के अन्य 3-4 लोगों के साथ मिलकर उस पर गोली चला। हल्ला मचाने पर आरोपी वहां से भाग निकले। इधर विकास ने बताया कि वह डीएमसीएच के ऑक्सीजन प्लांट में कार्यरत है। लड़का है देव कुमार, चिट्टू कुमार और गुड्डू कुमार, उनके साथ अज्ञात में 15-20 आदमी था और हमको उस दिन बहुत मारा और उसके बाद कहा कि मादर चो तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, तुमको गोली मार देंगे। हम बोले अंकल मेरा गलती क्या ये बताइए, ये मादर चो तुम बहुत फुरफुराते हो। वहाँ पे इमरजेंसी में सभी को है, सब कोई बोलेगा पता करेगा तो ये भी बता देगा। हम बोले ठीक है अंकल, आप अगर मार चाहते हैं तो मार कंटिन्यू। तो पावर हाउस जो है टीबीडीसी पास, वहाँ पे दो बंदा और 3 बंदा बैठ से था, सब नकाब लगाए हुए थे। इतने में किशोर राम ने पीछे बैठा हुआ था उतरा और बोला कि माधर चो तुम केस किया है, कौन केस तुमको बचा लेगा। सो पिस्टल निकाला, क्या था उसके पास भगवान जाने। वो सीधा हम बोले पिस्टल जगह हमको डर लग गया, हम हाथापाई किए, वहां से जैसे तैसे उठकर गाड़ी स्टार्ट करके सीधे इमरजेंसी आए। कौन लोग हैं वो लोग? लोग है किशोर राम है, पिता स्वर्गीय रामप्रीत राम, टीएमसीएच गणित विभाग में आईसीयू डिपार्टमेंट ड्यूटी करते हैं और उनके साथ 4-5 अज्ञात आदमी। कहाँ का रहने वाला है वो लोग? ये रामगंज राम बस्ती के रहने वाले हैं। तुम कहाँ रहने वाले हो? हम रामगंज बैंकर्स कॉलोनी के रहने वाले हैं। ठीक।